बिस्मिल्लाहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आज का हमारा टॉपिक द अल्टीमेट सफारी तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ द अल्टीमेट सफारी बाय नडीनिया गॉर्डीमर स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक नरेटर जिसका नाम द डॉटर है वो हमें हॉल स्टोरी के बारे में बताती है और इसकी उम्र 9 से 10 साल होती है यानी ये एक छोटी बच्ची है जो हमें होल स्टोरी की सिचुएशन को बताएगी इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स आएंगे सब कुछ हमें इसने ही बताना है बेसिकली ये इस स्टोरी की नरेटर है याद रखिएगा कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया उसकी वजह यह है कि यह स्टोरी इंडिकेट करती है ब्लैक एंड वाइट पीपल के

स्टोरी के अंदर किसी भी करेक्टर को कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया क्योंकि इस स्टोरी के अंदर इंडिविजुअल्स के थ्रू कलेक्टिव मॉरल्स निकाले जाते हैं यानी किसी एक की बात करके सबको समझाया जा रहा है और उसको भी कोई नाम नहीं दिया गया जाहिर सी बात है जब हम किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर को डिस्कस करेंगे तो वो बात उसकी हद हाँ तक ही रह जाएगी लेकिन जब हम पूरी जनरेशन को कोई बात समझाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो बात है वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव वे के अंदर करना पड़ेगी तो हमारी नरेटर जिसका नाम द डॉटर है जिसकी उम्र 9 से 10 साल है ये हमें बताती है कि किस तरह से ये मुजम्बिक नाम की जगह पर रह रहे होते हैं और वहाँ से इनको द बैंडेड्स बैंडेड्स समझते हैं ना अब जो डाकू होते हैं रॉबर होते हैं वो इनको वहाँ से निकालते हैं कि इस जगह को खाली करो क्योंकि ये एक ब्लैक सोसाइटी से तलग रखते हैं ये ब्लैक पीपल्स होते हैं अगर द बैंडेड्स का मीनिंग डिक्शनरी के अंदर सर्च करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है आ रॉबर आर आउटला बिलोंगिंग टू अ गैंग एंड थॉप ऑपरेटिंग इन एन आइसोलेटेडी हुई है अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो हम आपको संभालने के लिए मौजूद हैं और इसके अलावा यह वहां पर जाकर अपनी वारदात करता है जहां पर ला नाम की कोई चीज ही नहीं होती जो एरिया है यानी जहां पर कानून में मौजूद तो होता है लेकिन वो इनके खिलाफ कोई बालादस्ती नहीं कर सकता इनके खिलाफ हरकत में नहीं आ सकता तो यहाँ पर हमारी राइटर इंडिकेट कर रही हैं कि वो किस तरह से आकर ब्लैक पीपल के ऊपर जुलम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो चुपचाप बैठी हुई है बल्कि इनको सपोर्ट कर रही है और यहाँ पर जो राइटर हैं इन्होंने द बैंड के नाम से वाइट पीपल को बताया है लेकिन स्पेसिफिकली उनका नाम नहीं लिया बहर हाल हमारी नरेटर यानी द डॉटर हमें बताती है कि किस तरह से वो मुजम्बिक नाम की जगह पर रह रहे होते हैं और वहाँ पर आकर इनको द बैंडिट्स वहाँ से निकालते हैं यानी ये इनका विलेज होता है वो इन्हें फोर्सफुली कहते हैं कि इसको लीव करें और ये बताती है कि मेरे फ़ादर और मदर भी वहाँ पर रह रहे होते हैं लेकिन वो एक दिन कहीं बाज़ार के अंदर जाते हैं वो फिर मुड़ नहीं आते तो यहाँ पर फादर और मदर का करेक्टर बस इतना ही है कि डॉटर ने हमें बताया है कि वो बाज़ार गए हैं और इतना ज़्यादा मतलब का जोर है कि वो मुड़कर ही नहीं आए इसके अलावा ये हमें बताती है कि मेरा ग्रैंड फादर जो है इसके पास थ्री शिप्स हैं यानी तीन भेड़े होती हैं एक काओ एक गाय होती है और इसके अलावा एक वेजिटेबल गार्डन यानी घर के बाहर एक ऐसा गार्डन होता है ना जिसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती हैं ताकि बर वक्त कोई चीज़ अगर इंडिया के अंदर डालनी हो तो वहीं से दौड़ कर लेकर आ जाते हैं तो ये बता रही है कि मेरे ग्रैंड फादर के पास तीन शिप्स हैं एक काओ है और एक वेजिटेबल

पर टिक करना है क्योंकि कई ऐसी जो स्टोरी प्रिंटिंग के अंदर आई है ना ओरिजिनल से हट के उनके अंदर इनकी एज बाई की है वो सिक्स मंथ भी लिखी हुई है तो ये जरा याद रख लीजिएगा नरेटर मीन्स डॉटर हमें मज़ीद ये बताती है कि जब द बैंड्स इन्हें काफ़ी जलील करते हैं इनके पास जो थ्री शिप्स होती हैं cow होती है, है वेजिटेबल गार्डन होता है ये तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लेते हैं और इनको कहते हैं कि अगर तुम्हें जान की ज़रूरत है ना तो यहाँ से निकल जाओ तो जब ये उनको ज़्यादा ही फ़ोर्स करते हैं तो फिर ये डिसीजन लेते हैं मिल कर के हम यहाँ से चले जाते हैं क्रोगर पार्क के अंदर ये अपने होम टाउन यानी मुज़म्बिक नाम की जगह को छोड़ कर अब क्रूगर पार्क की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और ये जो क्रूगर पार्क है ये क्योंकि नज़दीक ही नहीं होता बल्कि ये काफ़ी फ़ासले पर होता है लेकिन इनके पास ना तो कोई एनिमल होता है और ना इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये जर्नी को सेफ़ एंड साउंड कर सके तो इसलिए ये वॉक के ज़रिए यानी पैदल ही सफ़र करना शुरू कर देते हैं और रास्ते में सफ़र के दौरान द नरेटर मीन ये कि द डॉटर मजीद हमें बताती है कि इसके जो ग्रैंड फादर हैं वो कहीं खो जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा इनको नहीं मिलते जब ये थके हारे कई दिनों की मसाफत के बाद क्रूगर पार्क पहुंच जाते हैं तो ये हमें बताती है कि वहां पर इनके जो ग्रैंड फादर हैं वो इनके साथ नहीं होते क्योंकि वो रास्ते के अंदर ही कहीं खो जाते हैं और इसके अलावा ये बताती है कि ये जो क्रूगर पार्क है ये एक टूरिस्ट प्लेस है यानी यहाँ पर बहुत सारे सैर तफरी के लिए आते हैं और वो बड़े मुख्त किस्म के खाने भी अपने साथ लेकर आते हैं कुछ वहीं पकाते हैं कुछ अपने साथ घर से लेकर आ जाते हैं तो ये बताती है कि वो हमें कुछ भी नहीं देते हम उधर हंगरी सिचुएशन के अंदर यानी भूखे प्यासे उनके सामने बैठे होते हैं लेकिन वो खुद ही आकर अपना इंजॉयमेंट करते हैं और यहां से चले जाते हैं और हमें खाने के लिए यहां पर कोई कुछ भी नहीं देता और यहाँ पर द डॉटर हमें मज़ीद बताती है कि हंगर की वजह से यानी भूख प्यास की वजह से मेरा जो छोटा भाई जिसकी उम्र सिर्फ एक साल होती है उसको एक डिज़ीज़ हो जाती है कि वो भूख प्यास की वजह से यानी उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती वो एबनॉर्मल सा हो जाता है तीन साल का वो कहती है होने के बावजूद भी वो कोई नहीं बोलता यानी अब यहाँ पर जब ये क्रूक पार्क पहुँचे हैं ना यहाँ पर कुछ देर रहते भी हैं तो अब ये बता रही होती है कि उसकी उम्र तीन साल हो गई है और अब वो कुछ भी नहीं बोलता मीन्स तीन साल का बच्चा चलता फिरता है, कुछ बोलता भी है लेकिन उसकी सही ग्रोथ नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास जो कहते हैं माउथ भी नहीं थे हम यानी कुछ पैसे हमारे पास इतने भी नहीं थे कि हम उनसे बस खा ही सकते यानी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था जिसे कहते ना कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं ये लोग अब क्रूगर पार्क के अंदर भी ये सब भूखे मर रहे होते हैं तो जो इनकी ग्रैंड मदर होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वूमेन होती है मैंने शुरू के अंदर ही बताया है तो ये यहाँ पर ना मिट्टी की मदद से बक्स बनाना शुरू कर देती है यानी ईंटें बनाना शुरू कर देती है और उन्हें सेल करती है जिसकी वजह से ये द डॉटर हमें बताती है कि फिर मैंने एजुकेशन को भी अटेंड किया यानी खुद से ही अपने बलबूते पर ही उन्होंने ईंटें बनाई बेची सेल की और ये कहती है कि मैं स्कूल जाने लग गई और मेरा जो छोटा भाई था उसकी हालत भी कुछ ठीक होने को आई अब गर पार्क के अंदर जो इन्होंने कैंप मीन्स ये कि अपना एक घर बनाया होता है वहाँ पर एक दिन ना एक ग्रुप आता है और वो ग्रुप होता है वाइट पीपल्स का और उनके साथ कुछ मीडिया वाले भी होते हैं तो वो आकर ना इसका इंटरव्यू करते हैं जो ग्रैंड मदर वहाँ पर बैठी होती है ना तो ये उसका इंटरव्यू करते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से आए कैसे आए तो ये फिर उनको सारी स्टोरी बताती है कि हम मुजम्बिक नाम की जगह पर रह रहे थे और जो जो, जो चीज़ें मैंने बताई है ये सारी स्टोरी इनको बताती है और फिर जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये ग्रैंड मदर और ये तमाम जो हैं ये ब्लैक सोसाइटी से लिंक्ड हैं और इनके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वाइट पीपल्स की बर्तरी है तो यह तमाम चीजें थोड़ी सी घुमा कर इन्होंने डिस्क्राइब की है लेकिन फिर भी मैंने इनको ईजी वे के अंदर आपको बता दिया है अब ग्रैंड मदर जब इंटरव्यू के अंदर ये तमाम चीजें डिस्क्राइब कर रही होती हैं बता रही होती हैं तो यहीं पर ही ये शॉर्ट स्टोरी एंड हो जाती है उम्मीद करते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट लेक्चर में नडीनियन गॉर्डिमर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़